मिजोरम के नवनिर्वाचित विधायकों के संसदीय कार्यप्रणाली के प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन्हें संसद में जहां मुद्दों पर प्रभावी रूप से मुद्दे उठाने के गुर दिए, तो वही केंद्रीय मंत्री एसएस अहलुवालिया ने संसदीय कार्यप्रणाली से लेकर विधेयकों को तैयार करने की बारीकियों को समझाया। मिजोरम के नवनिर्वाचित विधायकों ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन संसदीय कार्यप्रणाली और नियमों की बारीकियों को समझा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन में बेहतर वक्ता बनने के लिए मुद्दों की बारीक समझ के साथ अध्ययन जरूरी है। इफ यू वांट टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट देन यू हैव टू बी वोकल एंड वोकल आई डोंट मीन जस्ट शाउट जस्ट स्लोगनिंग और एक्टिंग एंड ऑल नॉट दैट पावरफुल स्पीच विद सब्सटेंस देन इफ यू हैव अ वॉइस इट कैन बी हर्ड। संसद भवन लाइब्रेरी में केंद्रीय मंत्री एसएस अहलुवालिया ने मिजोरम के इन विधायकों को कानून बनने की प्रक्रिया से लेकर नियमों की जानकारी दी। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इज नॉट लाइक ए लेटर ड्राफ्टिंग और ए डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इज ए वेरी डिफिकल्ट एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। फॉर दैट द काउंसिल्स आई मीन दोज हु आर ड्राफ्टिंग दिस दे आर ट्रेंड फॉर दैट and they do all this work and then they prepare the draft and then again it goes to through the administrative ministry it goes to the law department again। इससे पहले टीएमसी के लोकसभा सांसद स्वागत रॉय ने भी इन्हें संबोधित किया। बुधवार को भी मिजोरम के इन करीब 20 विधायकों को कई सांसद और केंद्रीय मंत्री संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी देंगे। दरअसल लोकसभा का संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो यानी बीपीएसटी संसदीय कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है। पंचनन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।